हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके पास में। तो आज ये एक वीडियो होने वाली है जो गिवे रिजल्ट से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। मैं उस रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैंने एक गिवे किया था, उस रिजल्ट की मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कुछ स्टेप्स भी आपको बताने वाला हूँ जो मैंने गिवे किया था उसके रिजल्ट से रिलेटेड। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो को। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी इस वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैंने थंबनेल भी इसी तरह के से रखा है, क्या ना, गिवे का रिजल्ट इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसमें गिवे रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ही देने वाला हूँ। मैंने एक गिवे किया था जिसको 4 वीक हो चुके हैं, 28 डेज उसको हो चुके हैं। तो मैं जब गिवे करता हूँ उसका रिजल्ट मैं 1 मंथ में या फिर 4 वीक्स में ऐसा रिजल्ट ले आता हूँ। तो इसका रिजल्ट 4 वीक तो इसको हो चुके हैं, 1 मंथ में थोड़े ही दिन इसको रहे हैं, 2 दिन ही इसको रहे हैं। तो इसको मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए लेके आया था। तो मैंने एक गिवे किया था आईफोन 11 का मैंने एक गिवे किया था। अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता होगा आईफोन 11 का 20 सितंबर को मैंने वो गिवे किया था ये 2021 के अंदर। तो उसको गिवे से रिलेटेड मैं ये इंफॉर्मेशन है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, अब उसमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो उसमें जाके आप जल्दी से जाइए और पार्टिसिपेट कर लीजिए। उसके कुछ रूल्स भी मैं बताऊंगा, वो रूल्स भी ढंग से सुनना, क्योंकि स्टेप लोग मिस कर देते हैं, फिर वो लोग जीत नहीं पाते हैं, बोलते हैं वो हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं वो स्टेप ढंग से फॉलो नहीं करते, बाद में वो बोलते हैं कि आप ढंग से गिवे नहीं कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो स्टेप को देखना पूरे ढंग से, एक एक स्टेप को देखना। तो अब मैं स्टेप्स बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आईफोन 11 का गिवे किया था आपको, अब मैंने बता दिया। तो स्टेप हमारे क्या थे उस वीडियो के, अब मतलब पार्टिसिपेट करने के स्टेप क्या थे, आपको ज़्यादा स्टेप उसके अंदर नहीं थे, थोड़े बहुत स्टेप थे वो आपको बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप था, उसमें 3 स्टेप थे, तो उनमें से सबसे पहला जो स्टेप था ना वो स्टेप था कि आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो, आप अगर नए हो तो मेरे चैनल पे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वो सबसे पहला स्टेप वो था। तो आपने अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, और है ना, लोग मिस मत करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर एक भी स्टेप मिस कर देते हो ना तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कुछ लोग हैं वो मिस कर देते हैं स्टेप्स को। मैं कुछ के ना कमेंट्स भी आपको दिखा दूंगा उसी वीडियो के नीचे, कमेंट्स में आपको दिखा दूंगा। तो एक जैसे कि एक कमेंट था कि ना, उसने लिखा था आईफोन इज माई ड्रीम, तो उसने जो स्टेप मैंने बोला था ना वो फॉलो नहीं किया है, सर बिग फैन ब्रो। तो है ना, मतलब ये चीज़ें उन्होंने, कुछ लोगों ने, उनके कमेंट्स भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं वो ढंग से पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बाद में वो बोलते हैं कि हम जीत नहीं पा रहे। अब जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सेकंड स्टेप है, आपको उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस चैनल का है ना, वहाँ पे एक चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब, वहाँ पे एक चैनल आपको मिलेगा तो उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा। अब ये मैं सब्सक्राइब क्यों करवाता हूँ दूसरे चैनल को, क्योंकि वो चैनल मुझे स्पॉन्सरशिप देता है, वो चैनल मुझसे बोलते हैं कि आप है ना बोलो कि ना उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो मुझे पैसे देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। अब आपको पता है स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, कि वो मुझे है ना इसको गिवे को अरेंज करने के लिए मेरे को पैसे देते हैं कि आप मैं किसी को दे सकूं। जैसे कई होते हैं लेटी शॉप वगैरह, तो वहाँ से भी बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ आपको, वो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। तो इस तरह से, अब जो थर्ड सबसे मेन स्टेप है ना, सबसे मेन स्टेप है लोग वही फॉलो नहीं करते हैं, उस स्टेप के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस वाले स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर ये वाला स्टेप मिस कर दिया ना तो आप बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे, मैं ये बात बोल देता हूँ। तो मैं यही बात बता रहा था कि ना, कुछ लोग होते हैं वो ढंग से नहीं बते, मतलब ये स्टेप फॉलो नहीं करते। तो इस स्टेप में क्या है कि आपको एक कमेंट करना होता है, अब वो कमेंट नॉर्मल कमेंट नहीं होता है, ऐसा कि कोई भी आया और कमेंट किया और चला गया, ये चीज़ तो लोग कर रहे हैं, ये चीज़ तो वो कर ही रहे हैं। तो लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, इस स्टेप के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है कि आपको है ना नॉर्मल कमेंट नहीं करना। अब नॉर्मल तो कमेंट है ना, कोई भी एक जना कभी भी आएगा और कमेंट करेगा, पूरी वीडियो भी नहीं देखेगा और चला जाएगा, ये होता है। लेकिन इसके अंदर मेरा स्टेप क्या है कि आपको है ना नीचे एक कमेंट करना होगा, उस कमेंट में आपको क्या लिखना है, अपना कमेंट नंबर।
अब आपको कमेंट नंबर को वहाँ पे कैसे मिलेगा, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे देखना है आपको टोटल कमेंट कितने आ चुके हैं। अब टोटल कमेंट वहाँ पे जैसे कि 300 कमेंट आ चुके हैं, है ना, तो आपको वहाँ पे फिर देखना है कि आपका क्या कमेंट नंबर है। तो वहाँ पे टोटल 300 आ गया, तो आपका आपको लिखना होगा 301 कमेंट नंबर 301 आपको इस तरह से लिखना होगा। और उसके बाद में आपको लिखना है, आपको एक पिन नंबर लिखना होगा। अब वो पिन नंबर आपको कैसे मिलेगा, पिन नंबर 4 नंबर का वो पिन होने वाला है, तो वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा उसी वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर मैंने कहीं पे भी, मतलब पूरी वीडियो अगर आप देखोगे ना वो वाली, तो आपको एक पिन नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, मैंने कहीं पे भी दिखाया होगा। वो पिन नंबर आपको कमेंट में लिखना है। अब क्या लिखना है, सबसे फिर आप है ना, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे लिखना है पिन नंबर, फिर वहाँ पे लिखना है कमेंट नंबर। इस तरह से नहीं है नॉर्मल, बस पिन नंबर लिखा कमेंट नंबर, पहले लिखना है पिन नंबर इंग्लिश में आपको लिखना है, फिर वहां पे आपको आप जो स्क्रीन पे मैंने पिन दिखाया है वो लिखना है, फिर नीचे लिखना आपको कमेंट नंबर इंग्लिश में लिखना आपको कमेंट नंबर, फिर आपको लिखना होगा कमेंट जो रियल कमेंट नंबर है, जैसे 301 है अगर आपका, 401 है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये मतलब स्टेप्स हैं। और इस तरह से मत करना कि कुछ लोगों ने कर रखा है, कुछ ने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखा है, वो सिर्फ नॉर्मल आते हैं, कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। वो ऐसा भी बोलते हैं आई एम बिग फैन, ऐसा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब वीडियो ही नहीं पूरी देख रहे, तो बिग फैन तो हुए ही नहीं। कि अगर आप वीडियो ही पूरी नहीं देखोगे तो बिग फैन तो आप हुए ही नहीं। और वो फिर लिखते हैं हमारा ड्रीम है आईफोन लेना, लेकिन है ना फिर भी वो वीडियो पूरी नहीं देख रहे और पार्टिसिपेट ढंग से नहीं कर रहे, और बाद में बोल रहे हैं कि हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप अगर वीडियो पूरी देखोगे ना तभी आप जीत पाओगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब इसी कमेंट के अंदर ही आपको एक चीज और लिखनी है। आपने लिख दिया वहां पे कमेंट नंबर आपका लिख दिया, आपने अपना पिन नंबर वहां पे लिख दिया, अब आपको लिखना है आप नेक्स्ट गिवे किसका चाहते हो, या फिर आप अपनी तरफ से जो कुछ भी लिखना चाहें ना, आपको जो कुछ भी कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आपको लिखना है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और आप मेरे को बता भी सकते हैं कि मैं लाइव कब आऊँ, मैं लाइव आने की सोच रहा हूँ, तो आप मेरे को डेट बता सकते हैं, मतलब दिन बता सकते हैं मैं लाइव कब आऊँ। तो मैं एक बार पहले भी लाइव आया था Q&A के साथ में, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो कि मैं लाइव कब आऊँ। तो इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा सा टाइम पता चल जाएगा लोगों का, तो उसी हिसाब से मैं आऊँगा लाइव। तो आप मेरे को है ना वो स्टेप फॉलो करोगे ना तब तो आप ढंग से जीत पाओगे, वरना आप नहीं जीत पाओगे। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वीडियो ही लोग पूरी नहीं देखते ना, तो वो नहीं जीत पाते हैं। और भी मेरे चैनल पे कई सारे गिवे चल रहे हैं, आपको एप्पल वॉच का गिवे चल रहा है, वो जाके भी आप पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का गिवे चल रहा है, जो उसके गिवे के अंदर तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, लेकिन वो बहुत छोटी कंडीशन आप देखोगे। और इन सबके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप आई बटन चेक कर लो, वहाँ पे सबके आपको लिंक मिल जाएंगे जितने भी गिवे मेरे चल रहे हैं, और भी आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और उनसे भी बोलना कि गिवे में पार्टिसिपेट कर लो। और जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट होंगे ना आपके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बनेंगे। कि अगर कोई एक जना भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जीत जाता है ना, तो आप फोन को शेयर करके यूज़ कर सकते हो, कभी वो यूज़ कर ले, कभी आप यूज़ कर लो, इस तरह से शेयरिंग करके भी आप है ना जो फ़ोन अगर आप जीतते हो ना तो उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके, आपके जितने भी रिलेटिव आपके आसपास रहते हैं, सबके फ़ोन से पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्या पता उनके फ़ोन से आप जीत जाओ और ये फ़ोन फिर आपका हो जाएगा iPhone 11। ये बहुत ही अच्छा कलर आपको मैं वाइट कलर इसके अंदर देने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ों का है ना जो वीडियो का लिंक है ना, जो उस गिवे का वीडियो का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा वीडियो लिंक, मतलब गिवे वीडियो लिंक आपको उस तरह से वहाँ पे मिल जाएगा। और आप वहाँ पे उस वीडियो में जाइए, फिर ये कमेंट नंबर और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लिखिए। यहाँ पर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहां पे आपको लिखना कंपलसरी है। तब वहीं से मैं आपको पिकअप करूंगा, मतलब पिक करूंगा आपके जो विनर होगा उसको मैं पिक करने वाला हूं, उसी वीडियो में पिक करने वाला हूँ। तो उसी वीडियो में आप जाइए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी कंडीशन मैंने बताई है वो सारी वहीं पे कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, आप शेयर भी कर दीजिए, आप चाहो तो शेयर भी कर दो, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे तो आपके ज़्यादा ही मतलब पार्टिसिपेट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस आपके बनेंगे। तो शेयर करो, पार्टिसिपेट करो, अपने फैमिली मेम्बर भाई बहन सबके फ़ोन से शेयर करो, और जो मेरे फ्यूचर में वीडियोज़ आ रही हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर लेना, और जो नॉर्मल वीडियोज़ होती है ना उनको भी आप देखें, नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं उनको भी आप देखें, आपका उनमें भी प्रॉफिट होगा, मैं उसमें भी चीज़ें बताता हूँ। और आप मेरे को बता सकते हो अगर आपको ना YouTube कैसे ग्रो करें ऐसे का वीडियोस भी चाहिए ना, तो आप मेरे को मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको ऐसी अगर वीडियोस चाहिए कि YouTube को कैसे ग्रो करें, ये सारी आपको टिप्स ट्रिक्स चाहिए, तो ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।